हाय गाइज, मैं उमानाथ सिंह। हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं हमारी तरह, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी। हमारी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें आज मैं आपको किस तरह से सरल तरीके से इंड स्क्रीन, समाप्ति स्क्रीन और आई बटन किस तरह से बनाते हैं, वो सब आई कार्ड किस तरह से बनाते हैं, सब कुछ आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं। पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर ले चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कि क्या है उसमें। अब जैसे मेरा ये चैनल अभी खुल रहा है, यहाँ से नाम क्लिक किया मैंने उमानाथ से। हाँ दोस्तों, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, इसमें से हम कोई वीडियो अपना लेते हैं। जैसे आपका ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाए हैं। देखिए, इसमें अभी आपको दिखा रहा है कि कोई भी, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप टच कीजिए। इस तरह से स्क्रीन पर टच करेंगे तो वहाँ आई आएगा, तो आई बटन भी नहीं दिख रहा है ना। और उसके बाद लास्ट में अगर हम चलते हैं तो देखिए, इसमें कोई इंड स्क्रीन भी नहीं दिखा ना, कुछ नहीं दिखा। तो अब आइए हम चलो इसको बताते हैं कि किस तरह से आई कार्ड और इंड स्क्रीन बनाते हैं। तो इसको बैक चलते हैं हम। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको प्ले स्टोर से अपलोड कर लीजिए। अब यहाँ क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र खुल रहा है, देखिए दोस्तों। अब यहाँ देखिए 3 डॉट दिख रहा है, उसको क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ आ जाइए, नीचे लिखा है देखो डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट अगर उसमें स्क्वायर है सामने, उसमें सही का चिन्ह लगा है तो ठीक है, काम होगा। अगर नहीं है तो उसको पहले कीजिए, वहाँ पर सही का चिन्ह लगा लीजिए दोस्तों। डेस्कटॉप साइट में देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सही का चिन्ह लग गया ना, अब ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों, अब उसी क्रोम ब्राउजर में अपना ईमेल आईडी यूट्यूब का जो है उसको डाल दीजिएगा, और उसके बाद आपका यूट्यूब फिर खोल जाएगा चैनल। अब इसके बाद अपने चैनल में चाहिए, तो चैनल में जाने के लिए आप, या तो हम दो तरीके आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर हमारा चैनल एक खुल गया है, तो इसके लिए आपको दो तरह से खोल सकते हैं। यहाँ पर भी अपना चैनल खोल सकते हो। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप गूगल में चले जाइए। चलिए गूगल में चलते हैं। तो गूगल में अगर दोस्तों आप लोग मोनिटाइजेशन का ऑप्शन डाले हो, उसके लिए रिक्वेस्ट हो, तो वो आपका मोनिटाइजेशन लिख दीजिए वहाँ पर। तो चलिए हम गूगल में मोनिटाइजेशन लिख दिए, देखिए मोनिटाइजेशन मैंने लिख दिया। आप क्रोम ब्राउजर में वहाँ से भी अपना इसको खोल सकते हो अपने चैनल को। और देखिए अकाउंट मोनिटाइजेशन यूट्यूब है, उसको क्लिक कर दीजिए। तो देखिए खुला है हमारा चैनल, अभी मोनिटाइजेशन कितना हो रहा है दिखा रहा है इसको, ओपन हो रहा है। वेट जस्ट 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा खुल गया, यहाँ 39 आवर्स दिखा गया, 213 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे से, इंग्लिश या हिंदी। चलिए अभी मेरा हिंदी में दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा है, दिख रहा होगा आपको डैशबोर्ड लिखा है सामने, दिख रहा है ना। तो डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर दीजिए पहले। तो देखो डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देने लगेगा। ओके, इस तरह की वीडियो आपकी सभी आ जाएंगी। तो आइए, हमें आपको बता रहे थे कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ नहीं था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, संपादित, इंग्लिश में रहेगा तो लिखा रहेगा एडिट। तो यहाँ पर संपादित पर हम क्लिक करेंगे, एडिट पर, एडिट क्लिक ऑन एडिट आर संपादित। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ देखिए दिख रहा है ना सर, जानकारी और सेटिंग, एनहांस ऑडियो, समाप्ति स्क्रीन लिखा है, अगर इंग्लिश में रहेगा तो एंड स्क्रीन लिखा रहेगा, यहाँ आई लिखा और उसका उप शीर्षक है। तो इसमें आप अगर समाप्ति स्क्रीन जो होता है, वीडियो जब आपकी ख़त्म होगी तब वहाँ पर ये दिखाएगा। और आई कार्ड जो है
जब कभी भी आप अपनी चलती हुई वीडियो को टच कर देंगे तो वहाँ पर आइकन तुरंत दिखा देगा, उसको बाद पूरा शो करने लगेगा। और दोस्तों अगर आप लंबी वीडियो है तो उसके लिए आपको आई कार्ड ही जोड़ना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं पूरी वीडियो नहीं देखते, बीच में ही छोड़ देते हैं, इसलिए उनको समाप्ति स्क्रीन का पता नहीं चलेगा अगली वीडियो क्या है। और समाप्ति अगर छोटी वीडियो हो तो उसके लिए समाप्ति स्क्रीन ही बेटर है। तो चलिए हम आपको समाप्ति स्क्रीन एंड स्क्रीन पहले बता देते हैं कैसे जोड़ना है। तो पहले आप यहाँ समाप्ति स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए, समाप्ति स्क्रीन पर क्लिक लिया। अब उसके बाद फिर दोस्तों इधर आ जाइए, ये देखिए खुला है, अभी लोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना घटक जोड़ें, जब ये देखिए गहरे नीले रंग का हो जाएगा तो समझ जाओ कि आपका ओपन हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो अभी कुछ नहीं हुआ। तो देखिए अभी हो रहा है, अभी इधर देखिए सर्च कर रहा है, सर्च कर लेगा। हाँ देखिए अभी ये गहरे नीले रंग का हो गया ना, तो अब ये घटक जोड़ो पर आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों याद रखना ये समाप्ति स्क्रीन आप सिर्फ चार ही लगा सकते हैं, और समाप्ति स्क्रीन जब लगा रहे हैं तो एक लगाए तो थोड़ा गैप छोड़ कर दूसरा लगाइए, फिर तीसरा लगाना है थोड़ा गैप छोड़ कर लगाइएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है वीडियो या प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब करें चैनल लिंक सक्षम। तो पहला वाला जो है आपका बनाएँ क्रिएट वीडियो या प्लेलिस्ट है, बनाएँ या क्रिएट लिखा है इंग्लिश में, उसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ बनाए पर हम कर दें क्लिक। अब उसके बाद दोस्तों देखिए आ गया यहाँ पर सबसे नया अपलोड, दर्शकों के लिए सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल अपने दर्शकों के लिए सबसे अनुकूल वीडियो चुनने की अनुमति दे, एक वीडियो प्लेलिस्ट चुने। तो अपना वीडियो का चुनना चाहते हैं, प्लेलिस्ट कोई भी चुनना चाहते हो उसके लिए तीसरा क्लिक करिएगा, और सबसे नया वाला अगर लेना है तो पहला ही क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम कोई भी वीडियो लेना है तीसरा वाला क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा आप क्लिक कर लिया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों हमारी वीडियो की लिस्ट सभी इधर आ चुकी हैं, तो अब कौन सा आप उसमें जोड़ना चाहते हो तो वो क्लिक कर लीजिए। चलिए तो चलिए हम पहले मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहली वीडियो है मेरी, इस पर हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। ओके अब इसके बाद आ जाइए नीचे, यहाँ देखिए घटक बनाए लिखा हुआ है, तो घटक बनाए पर क्लिक कर दीजिए। चलिए देखिए काम चल रहा है, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो अब प्रोसेसिंग हो गया रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा जब तो आपका ये स्क्रीन में चला जाएगा। अब दोस्तों ये इंडिस्क्रीन चुका है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ना, ये इंडिस्क्रीन में आ गया। अब चलिए एक अब उसके बाद आपको हम बता देते हैं टाइम का वेस्ट किए बगैर इंडिस्क्रीन, तो बता दिए क्लियर हो गया। अब हम आपको बता देते हैं आई कार्ड से इसके से जोड़ेंगे। अब आइए आई कार्ड जोड़ने के लिए देखें आई कार्ड पर जो लिखा आई बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिए, ये हो गया आई कार्ड पर हमने क्लिक कर लिया आई कार्ड। यहाँ देखिए घटक बनाए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आ जाइए घटक में जोड़ दीजिए। आइए फिर ये हाँ आई कार्ड देखिए हाँ आई कार्ड पर आ गया, क्लिक कर लिया आपने। अब देखिए ये यहाँ पर कार्ड जोड़े हैं, तो कार्ड जोड़ने पर पहले क्लिक कर लो आप। कार्ड जोड़ने पर अब वो क्लिक कर लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आ गया। देखो दोस्तों अब मान लीजिए हम अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देना चाहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ देखो लिखा हुआ वीडियो उस पर क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आया कार्ड बनाए, तो कार्ड बनाए पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ देखिए इसमें दोस्तों कार्ड जो आपका अधिकतम पांच कार्ड जोड़ सकते हो, तो इसमें हमने इतने कार्ड जोड़ लिया। देखिए यहाँ लिखा है सभी परिवर्तन सहेजे दिए गए, तो सहेज दिया गया मतलब कि हमारा ये कार्ड इसमें आ चुका है। तो चलिए हम आपको अपनी वीडियो खोलकर उधर दिखा देते हैं कि कार्ड जुड़ा है कि नहीं। यूट्यूब पर चलो चलते हैं। हाँ दोस्तों वहाँ पर ऊपर कॉर्नर में भी देख रहे थे सेव लिखा है ना, तो सेव को भी आप क्लिक कर दिया करिए तो आपकी वीडियो उसमें आ जाएगी। तो देखिए ये खुला है हमारा चैनल,
ये लीजिए खुल गया, देखते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले में जोड़े थे हम, तो आइए देख लेते हैं जुड़ा है कि नहीं। आई लिखा था ना यहाँ, देखिए स्क्रीन पर आप टच कर दीजिए, तो देखिए आई लिख दिया ना, तो आई लिख दिया, तब तुरंत तो आप आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो आई बटन क्लिक करेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट जो है नीचे शो करने लगेगी। चलिए देखिए इंड स्क्रीन भी जुड़ गया है कि नहीं, इसमें लास्ट में देख लेते हैं वीडियो को। अगर सेव नहीं किया दोस्तों तो वीडियो लास्ट में हमारी इसमें शो नहीं करेगी, तब शायद देखिए नहीं शो होगा। अभी देख लेते हैं क्या हो रहा है लास्ट में। दोस्तों इसमें देखिए हम पेज को लेफ्ट कर दिए थे, छोड़ दिए थे, इसलिए आपके हमारी वीडियो इसमें शो नहीं किया है ना, इसलिए पेज को आप लेफ्ट मत कीजिएगा, तो छोड़िएगा ना, तो उसको कंप्लीट कर दीजिए। चलिए इसको हम आके एक बार आपको फिर दिखाई देते हैं। तो हाँ दोस्तों इसी तरह से जोड़ा जाता है, आप भी इस तरह से अपने इन द स्क्रीन को, और एक मिनट यार ये तो चलो मोनेटाइजेशन पे चलते हैं। अकाउंट मोनेटाइजेशन हो गया, चलिए डैशबोर्ड पर चल चलते हैं। ये डैशबोर्ड पर क्लिक किया मैंने और ये हमारा आ गया है यहाँ पर, देखिए। चलिए हम कोई दूसरी वीडियो ले लेते हैं, प्रेजेंट में कर लीजिए। चलिए पास्ट इंडिफिनिट को यहाँ पर संपादित लिखा एडिट, उस पर क्लिक कर लीजिए। अभी आ गया दोस्तों, देखिए इस तरह से इंटरफेस को। अब यहाँ पर देखो लिखा क्या, हमें समाप्ति स्क्रीन जुड़ा था तो उसको अब आइए जोड़ के हम दिखा देते हैं आपको। समाप्ति स्क्रीन पर आप इंड स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिए। हम यहाँ पर पेज अगली बार लेफ्ट कर दीजिए, इसलिए वहाँ पर नहीं जुड़ पाया था। अभी देखिए घटक जोड़ो आ गया है, ये डाउनलोड हो रहा है अभी। हाँ तो देखिए दोस्तों ये घटक जोड़ो पर आपने क्लिक की दी, यहाँ पर घटक जोड़े हैं तो घटक जोड़े पर क्लिक कर दीजिए। हाँ तो ये आपका आ गया वीडियो प्लेलिस्ट, वहाँ बनाए पर क्लिक कीजिए, क्रिएट पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में जो तीसरा है उस पर क्लिक कर लीजिए। अब इसके बाद वीडियो आ गई फर्स्ट यूनिट, यहाँ कौन सा जोड़ना है इसमें, मान लीजिए हमको ये प्रेजेंट यूनिट वाला इसमें जोड़ना है, तो ये चार ही जुड़ सकता है दोस्तों इसमें। तो पहले ये कंप्लीट करिए, यहाँ घटक बनाए पर कर दीजिए क्लिक। तो यहाँ करें देखिए काम चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। अभी देखो इसमें मेरा ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ अगर और भी आगे जोड़ना है फिर वहीं घटक पर चलिएगा। तो इस तरह से आप करेंगे आपका वहाँ। अब यहाँ देखो लिखा है सेव करें, तो सेव पर आप क्लिक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो ये नहीं जुड़ पाएगा। देखे थे ना फिर पहले बार नहीं जुड़ा था, तो ये सेव पर कर दीजिए के लिए सभी परिवर्तन सहेज दिए गए हैं। अब देखेंगे तो ये वीडियो हमारे जो है उसमें शो करेगी यूट्यूब पर, आइए दिखा देते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस वाले में जोड़े थे हम, तो देखिए चलिए इसको दिखा देते हैं जुड़ा है कि नहीं। इंड स्क्रीन हमेशा दोस्तों अंत में ही शो करता है,
बीच में कहीं भी नहीं दिखाएगा आपको। हाँ तो देखिए और भी इस दूसरे में जोड़े थे शायद, आइए दूसरा दिखला देते हैं आपको, ये इसमें देख लेते हैं। चलिए इसको लास्ट में देखिए, इसमें भी आई बटन हम जोड़ चुके हैं, यहाँ दिखा शो करता है। अब आइए इसको लास्ट में दिखा देते हैं किस तरह से दिखाता है। यहाँ देखिए ये जोड़ दिए हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट टेंस यहाँ शो कर रहा है ना, इस तरह से हमारा जो घटक है इन स्क्रीन जो है जुड़ गया है। ओके क्लियर। तो हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट में लिखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं की हो सब्सक्राइब कर दीजिए और जानकारियाँ लेने के लिए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।